दोस्तों नमस्कार। आज अपने बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की। ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जो है आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड में जो इंग्लिश की तैयारी करते हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए भी उपयोगी है। अभी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट निकली हुई हैं, उनमें भी उपयोगी है। और जो स्टूडेंट डीएसएसबी की तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, वहाँ पर भी ये टॉपिक उपयोगी है। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिटरेचर यानी कि साहित्य होता क्या है। तो दोस्तों, लिटरेचर इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ इन वर्ड्स ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी। यानी कि साहित्य जो है वो जीवन में शब्दों का एक्सप्रेशन है, जहाँ पर सत्य और सुंदरता दोनों दिखाई देते हैं। इट इज़ द रिटन रिकॉर्ड ऑफ मैन्स स्पिरिट। यह है जो मनुष्य है, मानव है, उनका एक लिखित में रिकॉर्ड है, उनके द्वारा की गई रचनाओं का लिखित रिकॉर्ड है। ऑफ हिज थॉट्स, इमोशंस, एस्पायरेशंस। थॉट्स होते हैं विचार, इमोशंस होते हैं भावनाएं, और एस्पायरेशन होती हैं आकांक्षाएं। तो किसी भी युग के में जो भी मनुष्य हुए, जो भी व्यक्ति हुए, उनके द्वारा की गई रचनाओं का उनके अंदर उनके जो विचार थे, उनके जो मनोभाव थे, उनकी जो आकांक्षाएं थीं, वो सब साहित्य के अंदर दिखाई देती है। इट इज़ द हिस्ट्री एंड द ओनली हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन सोल। यह है सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की आत्मा का इतिहास है। यानी उस समय जिस भी युग में कोई भी साहित्य लिखा गया, जिस भी समय, जिस भी किसी काल में कोई भी साहित्य लिखा गया, उस समय उस लिखने वाले की क्या भावनाएं रही होंगी, क्या आकांक्षाएं रही होंगी, क्या इमोशंस रहे होंगे, क्या विचार रहे होंगे, इन सब का जो लिखित में लेखा जोखा है वही लिटरेचर यानी कि साहित्य के अंदर होता है। तो बात हम कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की। उससे पहले हमने ये जाना कि साहित्य यानी कि लिटरेचर क्या है। अब देखें कि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, दोस्तों लिटरेचर की जो फॉर्म्स हैं उनको हम पोइट्री, ड्रामा और प्रोज में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पोइट्री, ड्रामा और प्रोज, ये तीन पार्ट जो हैं इसको हम डिवाइड करते हैं। कई बुक्स में आपको जो है फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री एंड वर्स, इस टाइप से भी क्लासिफिकेशन मिलता है। तो यहाँ पर हम लिटरेचर का क्लासिफिकेशन तीन चीज़ों के तहत करते हैं, पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज। पोइट्री के अंदर क्या क्या आता है? पोइट्री के तहत आता है एपिक, मोक एपिक, सोनेट, ओड, लिरिक, एलिजी, बैलेड, इडली, द पेस्टोरल, द सेटायर, ये सब पोइट्री के तहत आते हैं। ड्रामा के तहत आता है ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, पोइटिक प्ले, फार्स, प्रॉब्लम प्ले, मास, ड्रामेटिक मोनोलॉग, वन एक्ट प्ले, मिडवेल ड्रामा, द मेलो ड्रामा, क्रॉनिकल प्ले, और एक चीज़ और, हिस्टोरिकल प्ले, ये भी ड्रामा के तहत आते हैं। बात करें प्रोज की, तो प्रोज के अंदर एसे, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, बायोग्राफी, क्रिटिसिज्म, और बायोग्राफी के अलावा ऑटोबायोग्राफी भी होती है। बायोग्राफी तो कोई और लिखता है, ऑटोबायोग्राफी कोई व्यक्ति जब अपनी कहानी खुद लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो किसी भी साहित्य में ये तीन पार्ट हो सकते हैं, पोइट्री, ड्रामा और प्रोज। इन तीन भागों में डिवाइड करके हम प्रत्येक पार्ट में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उन सबको समझेंगे। यानी कि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में हम पोइट्री के अंदर एपिक, मॉक एपिक, सोनेट, ओड, लिरिक, एलेजी, बैलेड, इन सारी चीज़ों को, और ड्रामा के अंदर जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर वो सब, और प्रोज के अंदर जो दिखाई दे रही हैं वो सब, इन सब का अध्ययन करेंगे, इन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए देखें आगे। सबसे पहले दोस्तों देखो, आप अगर पिछली स्लाइड में देखें तो आपको यहाँ पर पोइट्री में एपिक दिखाई दे रहा है, सबसे पहले एपिक। तो हम इन सब की क्रमबद्ध रूप से बात करेंगे। फिलहाल अपने इस वीडियो में बात करेंगे आज सिर्फ एपिक की और मॉक एपिक की। अगले वीडियो में सोनेट की, ओड की, लिरिक की, ऐसे पोइट्री कंप्लीट करने के बाद फिर ड्रामा स्टार्ट करेंगे, फिर प्रोज स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पोइट्री के तहत एपिक और मॉक एपिक के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों एपिक जो होता है, जो एपिक होता है उसको हम ग्रंथ कहते हैं। कोई महाकाव्य जो होता है उसको एपिक कहा जाता है, हिंदी में महाकाव्य। और ये एपिक जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, फोक एपिक होता है, एक लिटरेरी एपिक होता है। ये दो टाइप जो है, नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पर जानेंगे फोक एपिक और लिटरेरी एपिक क्या है।
लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो एपिक है ये है क्या चीज़। एपिक जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, महाकाव्य कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, द एपिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट एंड डिग्निफाइड ऑफ पोइटिक टाइप्स, कि जो काव्य के प्रकार हैं, काव्य का जो टाइप्स हैं उसमें सबसे प्राचीन है एपिक। एपिक एंशियंट है यानी कि प्राचीन है, और ये एक महाकाव्य होता है। ए लॉन्ग नैरेटिव बेस्ड ऑन मिथ और लीजेंड, ये जो महाकाव्य होता है ये किसी पौराणिक कथा पर आधारित होता है। इट रिकाउंट्स ग्रांडली एंड वास्टली द एडवेंचर ऑफ ए डेटी और कल्चर हीरो, ये जो होती है इसकी जो कहानी होती है वो किसी देवता के संबंध में, एक लोक देवता, देवता कोई भी या कोई भी कल्चर हीरो है उसके ऊपर कोई ना कोई कहानी होती है, और इस हीरो के हुज एक्शंस हैव बीन क्रूशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी। क्रूशियल का मतलब होता है क्रूसेड, एक क्रूसेड होता है जैसे धर्म युद्ध के ऊपर इसकी कहानी होती है, यानी कि कोई भी इस एपिक का हीरो होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है वो धर्म की साइड होता है और अधर्म के खिलाफ लड़ता है, ऐसा कुछ इसके अंदर बताया जाता है। समाज के अंदर या कल्चर के अंदर या रिलीजन के अंदर धर्म के तहत अगर कोई बुराइयां हैं तो उन बुराइयों से लड़ता हुआ इसको दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एपिक, एपिक के प्रकार। तो एक फोक एपिक होता है, एक लिटरेरी एपिक होता है। दोनों में फ़र्क क्या होता है कि फोक इज़ नॉट द वर्क ऑफ वन मैन। फोक एपिक, ए फोक एपिक जो होता है, फोक का मतलब होता है लोक, जैसे फोक सॉन्ग बोलते हैं, लोकगीत, वैसे ही फोक एपिक। ए फोक एपिक इज़ नॉट द वर्क ऑफ वन मैन, किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं होता है, ये कई सारे लोगों का मिश्रित कार्य होता है। जैसे होमर्स की इलियड इसका मोस्ट एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल इसका बनता है। लिटरेरी एपिक की बात करें तो लिटरेरी एपिक इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल जीनियस, किसी का व्यक्तिगत जो है उत्पाद है, यानी कि कोई एक व्यक्ति किसी महाकथा को, महाकाव्य को लिखता है तो वो लिटरेरी एपिक कहलाता है। ये किसी एक व्यक्ति का काम होता है, जबकि फोक एपिक का कई बार ज्ञात नहीं होता है लेखक कौन है, और कई बार दो तीन लोगों की संयुक्त ये कृति होती है। लिटरेरी एपिक की बात करें तो वर्जिल का जो है एनिड, टोसो का जेरूसलम डिलीवर्ड, स्पेंसर का फेरी क्वीन और मिल्टन का पेराडाइज लॉस्ट और कैम्यूज का लुसियड, ये जो हैं लिटरेरी एपिक के एग्जाम्पल हैं। आगे बात करें तो जो कैमियंस था, सी ओ लिखा है दोस्तों, इसमें सी ए है एक्चुअली, ये CAMOEN और एपोस्ट्रोफी भी नहीं आएगा सीधा। कैमियंस का जो लुसियड था, कैमियंस लुसियड्स इज पोर्टुगीज नेशनल एपिक। पोर्तुगीज का मतलब पुर्तगाल से संबंधित है, या पुर्तगाली जिसको हिंदी में कहा जा सकता है पुर्तगाली। तो पुर्तगाल का एक नेशनल राष्ट्रीय एपिक है लुसियड्स, जो कैमियंस ने लिखा था, डिस्क्राइबिंग वास्को डी गामाज वॉयस टू इंडिया। और इस एपिक के अंदर वास्को डी गामा जो थे, जिन्होंने भारत की यात्रा की थी, भारत की यात्रा के संबंध में, वास्को डी गामा की भारत यात्रा जो थी उसके संबंध में पूरी कहानी इसके अंदर है, इस लुसियड्स के अंदर, जो कि कॉमियंस ने लिखे थी, और ये एक पुर्तगाली राष्ट्रीय एपिक है। अब डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड मॉक एपिक की, हालांकि पीछे भी अपने बात कर चुके हैं, यहाँ अपने बात करें कि एपिक और मॉक एपिक में क्या फ़र्क होता है। और इन एपिक वी रीड अबाउट द हीरो एंड हिज हीरोइक एक्शन, कि एपिक जो होता है उसमें हम किसी हीरो और उसके हीरोइक एक्शन के बारे में, उसके जो हीरो एक्शन करता है, जो कार्य करता है, उसके हीरोइक एक्शन और हीरो के बारे में जानते हैं। और जो मॉक एपिक होता है उसमें क्या होता है, ए मॉक एपिक इज समथिंग दैट हैज़ द फील ऑफ एन एपिक बट द कंटेंट इज पॉइंटली नॉट हीरोइक। जो मॉक एपिक होता है वो एपिक की तरह ही होता है, लेकिन उसका जो विषय वस्तु होती है, उसका जो कंटेंट होता है वो हीरोइक नहीं होता जैसा कि एपिक में होता है। ये एपिक और मॉक एपिक में फ़र्क होता है। मॉक एपिक जो होते हैं उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, मॉक एपिक जो होता है इसकी टोन कैसी होती है, इसकी सार्केस्टिक टोन होती है, यानी कि कटु, कड़वी, कठोर टोन होती है इसकी। और ट्रिवियल और इनसिग्निफिकेंट सब्जेक्ट, ट्रिवियल का अर्थ होता है तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण नहीं, यानी कि महत्वहीन, इसका जो सब्जेक्ट होता है वो महत्वहीन होता है।
क्वालिटीज़ लाइक स्टूपिडिटी, एमोलिटी एट्सेट्रा, इसकी जो क्वालिटी होती है इसमें मतलब फूहड़पन सा, मूर्खतापूर्ण बातें और अमोलिटी अमरता से संबंधित बातें होती हैं। मॉकरी ऑफ हीरोइक स्टाइल, और जो मॉकरी, मॉकरी का अर्थ होता है मजाकिया, मजाक से भरा हुआ, तो हीरोइक स्टाइल इसकी जो होती है वो मजाक से भरी भरी होती है, मजाकिया टाइप की होती है। अब यहाँ पर देखिए कुछ एपिक्स और मॉक एपिक्स हैं और उनके राइटर हैं और उन्होंने किस भाषा में ये एपिक या मॉक एपिक लिखा था उसका एक विवरण है इस टेबल के माध्यम से। जैसे इलियड जो कि किसने लिखा था, होमर ने लिखा था, और लैंग्वेज थी इसकी ग्रीक। दूसरा था ओडेसी, ये भी होमर ने लिखा था और ग्रीक, इसकी लैंग्वेज भी ग्रीक थी। एनियड वर्जिल ने लिखा था, भाषा थी लेटिन। बियोवुल्फ ये अननोन है, इसके राइटर पता नहीं है। और ये जो थी एंग्लो सैक्सन एक भाषा थी, एंग्लो सैक्सन, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ANGLO, एंग्लो सैक्सन, SEXON, एंग्लो सैक्सन भाषा में ये लिखी गई थी। ये ओल्ड इंग्लिश भाषा थी ना, उसको एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज कहा जाता है। तो ये बियोवुल्फ जो है उस समय का लिखा गया था, इसका राइटर जो है वो अननोन है। और कई सारे विद्वान कहते हैं कि बियोवुल्फ जो लिखा गया है, जो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज है, अभी तक इसको ठीक से पढ़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं हुआ है। पूरी तरह से हर किसी को ये समझ में नहीं आ सकती भाषा, ओल्ड इंग्लिश भाषा है ये। और फिर है डिवाइन कॉमेडी, ये डेंटे ने लिखी थी, लेटिन भाषा में है। जेरूसलम डेलीवर्ड ये टेसो ने लिखी थी, ये भी लेटिन भाषा में है। पेराडाइज लॉस्ट मिल्टन ने लिखा ये एपिक, और ये इंग्लिश में है। फेरी क्वीन स्पेंसर ने लिखा, ये भी इंग्लिश में है। और मॉर्ट डी आर्थर टेनिसन ने लिखा, ये भी इंग्लिश में है। रामायण वाल्मीकि ने लिखा था एपिक, जैसा कि मैंने कहा महाकाव्य होता है एपिक, तो रामायण भी महाकाव्य है, और इसको लिखा वाल्मीकि ने था, और ये संस्कृत में है। रामचरितमानस इसको तुलसीदास ने लिखा है, ये हिंदी में है। ल्यूसियाड्स ये कैम्यूस ने लिखा है, ये पुर्तगाली भाषा में है। और द रेप ऑफ द लॉक ये एक मॉक एपिक है, एलेक्जेंडर पोप ने लिखा है, ये इंग्लिश में है। और उसके बाद है द बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस, ये भी एक मॉक एपिक है, एक छोटा जो है एपिक है ये, इसको मॉडलाइन मिलर ने लिखा है, इंग्लिश में है ये। और बैटल ऑफ द बुक्स मॉक एपिक है, इसको जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है, ये इंग्लिश में है दोस्तों। तो ये कुछ एपिक और मॉक एपिक थे जिनके राइटर थे और जिनकी भाषा थी कि किस भाषा में इनको लिखा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की है एपिक और मॉक एपिक की। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पोइट्री के तहत ही अगले एक टॉपिक की बात करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में पोइट्री, ड्रामा और प्रोज इन सब के बारे में पढ़ना है। और पोइट्री को हमने पहले स्टार्ट किया है, और पोइट्री में जो पहली फॉर्म है एपिक और मॉक एपिक उसको हमने देखा है इसकी आज के इस वीडियो में, आज की इस स्लाइड में। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, नेक्स्ट क्लास जो होगी लिटरेरी फॉर्म पर, वो जो होगी वो सोनेट पर होगी। अगला वीडियो होगा सोनेट पर, फिर ऑड, लिरिक, एलिजी, बैलेड, इस तरह से हम इसको पोइट्री को कंप्लीट करने के बाद फिर ड्रामा पे बात करेंगे, फिर प्रोज पे बात करेंगे। और जैसे ही पोइट्री, ड्रामा, प्रोज ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, और फिर हम बहुत सारे इसके संबंध में जो विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं इनके ऊपर उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।